और लाइफस्टाइल ब्लॉग, मेकअप वीडियोस, कुकिंग ब्लॉग एंड डेली ब्लॉग। सब्सक्राइब कीजिए सुनेहास ब्लॉग को और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल सके। गुड मॉर्निंग फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई एम वेरी 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 फाइन। और आज का ब्लॉग आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप लोग को हिंट मिल गई, लेकिन शुरुआत होती है अनबॉक्सिंग से। तो ये मैंने मंगाया था दुर्गा पूजा के लिए ड्रेस अमेजोन से। अमेजोन से मैंने एथनिक वेयर फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया है। मुझे नहीं पता था कैसा ये लगेगा, कैसा ये नहीं लगेगा, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये मुझे ड्रेस कैसा लगा। तो ये ऐसे ही एक प्लॉथिन में आया था, मतलब जो भी कह लीजिए। तो इसके अंदर ऐसा प्लॉथिन में तीन पार्ट में डिवाइडेड था ये ड्रेस मेरा। आप कलर देख सकते हैं, कलर वाइज ऑसम। पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा कलर है। मतलब ऐसा कलर बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे तो सब कोई पिंक, रेड, ब्लू ये सब तो पहनते ही हैं। ब्लैक मैं नहीं लेती क्योंकि ब्लैक मुझे पसंद नहीं है। तो ये कलर मैंने लिया, बहुत ही ऑसम वाला कलर है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम वाला कलर है। और मेरा साइज इसमें M है, मैंने M मंगाया है और ये मुझे परफेक्टली फिट हुआ है। और कैसा लगा और मेरा इस पर क्या रिव्यू है, क्या रिमार्क है, वो आप लोग को इस वीडियो में, ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिर स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और छोड़ छोड़ के मत देखिएगा, वरना आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको अच्छे से अच्छी समझ में आएगा। एंड ये कमेंट भी किया कीजिए, मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पर पता नहीं क्यों बहुत कोई कंजूसी करते हैं कमेंट करने में, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। नीचे हम देख सकते हैं ऐसा गोल्डन प्रिंट बनाओ जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। हे फैमिली, तो कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने जो है, आप लोग को पता है कि दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुकी है और आज जो है वो दुर्गा पूजा का यानी नवरात्रा का सेकेंड डे है। तो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था क्योंकि अभी बहुत सेल चल रही है। अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रही है, बहुत धमाकेदार सेल रहती है जिसका लोग जो है वो साल भर वेट करते हैं। एंड मैंने परचेज किया, आप लोगों ने देखा भी, मैंने अनबॉक्सिंग किया। मैं फुल लुक आपको दिखाने वाली हूँ और वो ट्राई ऑन हॉल भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा और आपको आइडिया मिल जाएगी। और जो लोग के अकॉर्डिंग की ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती है, मैं उनसे डिसएग्री हूँ क्योंकि मुझे जो है हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग जो है मुझे पसंद आई है। पर अमेजोन से मैंने फर्स्ट टाइम कोई भी क्लोथिंग आइटम परचेज किया, इन द सेंस कि टॉप वगैरह तो मैंने खरीदा है, लेकिन एथनिक वेयर जो होता है वो मैंने पहली बार परचेज किया है अमेजोन से। तो देखते हैं अब इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आई रियली डोंट नो। और मैंने बताया कि धमाकेदार सेल चल रही है, 10 तारीख तक है सेल। तो अगर आपको पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने कुर्ता प्लाजो सेट लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी। और मुझे जो है कोई भी चीज़ खरीदने में मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता है, एक दिन से नहीं होता है। मैंने इस चीज़ को परचेज करने में मैंने अपने 2 दिन जो है वो गवा दिए क्योंकि मुझे जो है मैं पसंद आ गया, फिर भी मैं उसको रिसर्च करती हूँ, यूट्यूब पर उसका ट्राई ऑन हॉल देखती हूँ, बहुत तरह का चीज़ मैं रिसर्च करती हूँ। और मैंने एक और चीज़ परचेज किया, वो भी मैंने न्यू वेबसाइट से, मतलब न्यू ऐप से परचेज किया है, आजियो से। अमेजोन आजियो दोनों से मैंने फर्स्ट टाइम क्लोथिंग आइटम परचेज किया है एथनिक में। आजियो से तो मैंने आज तक किया ही नहीं था, फर्स्ट टाइम किया। तो वो अब शायद कल मुझे रिसीव हो जाएगी, तो वो आपको शायद नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिले। तो मैं आपको ये अमेजोन वाला दिखाती हूँ। कलर जो है इसका बहुत अच्छा है, जामुनी कलर जो होता है ना, जामुनी कलर है ये, देख सकते हैं जामुनी कलर है ये। ऐसे है, स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट फिट है। आप इसे प्लाजो, प्रॉपर प्लाजो नहीं कह सकते, मतलब पैंट टाइप का जो होता है जो कि ऐसा बहुत चला हुआ है क्योंकि असल कुर्ता वगैरह में भी लोग प्लाजो तो उतना परचेज नहीं करते हैं, लेगिंग्स नहीं पहनते हैं लोग, पैंट, सिगरेट पैंट वगैरह जो होता है वो पहनते हैं। ये देख सकते हैं ये ऐसे स्ट्रेट है और आप लोग बगल में स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसके नीचे में ऐसे ये यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ, और ये प्रिंट ये निकलता नहीं है क्योंकि इस तरह का ये वर्क तो नहीं है। गोल्डन प्रिंट जो है मेरे पास बहुत सारे कुर्ते में है, वो बिल्कुल नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है। और इसमें मेरा साइज है ये M साइज है मेरा, अभी देख सकते हैं। और ये जो मटेरियल है ये रेयन है, मुझे रेयन के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। कॉटन में कम ही खरीदती हूँ, रेयन में ज़्यादा खरीदती हूँ। ये तीनों जो है दुपट्टा, ये दुपट्टा सेट है ये, मैं चाह रही थी कि सब मैं जो खरीदूँ उसमें दुपट्टा भी हो, तो दुपट्टा भी है इसमें। और तीनों पैंट, कुर्ता अपर वाला और दुपट्टा, तीनों अलग 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 पैकेजिंग में दिया है, विच इज वेरी नाइस।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा कुर्ता ऊपर का, ये फ्रॉक डिजाइन में है और इसकी नेक ऐसी है, नेक के पास यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं जो कि ऑब्वियसली खुलते नहीं है, ये खुलेंगे नहीं, यहाँ पे भी हल्का सा गोल्डन प्रिंट है एंड इसकी बाजू में यहाँ पे भी गोल्डन प्रिंट है, इसमें भी है और नीचे में भी है। और अब बारी आती है इसके दुपट्टे की, ये रहा दुपट्टा और दुपट्टा देखते हैं कितना बड़ा है, दुपट्टा भी ठीक साइज का है क्योंकि दुपट्टा तो लोग ऐसे ही साइड में ऐसे रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, इस कलर की मेरे पास साड़ी है लेकिन सूट वगैरह नहीं थी, और रेड वगैरह तो मेरे पास बहुत है, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ये सब तो मतलब सबके पास होता है लेकिन ये कलर जो है वो यूनिक कलर है, मुझे सर यूनिक कलर ही चाहिए था। तो आप लोग ट्राई ऑन हॉल देख सकते हैं, मुझे तो ये पीस बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा जरूर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। और आजियो वाला जो मेरा सेट है ना वो यूनिक है, तो वो उसमें भी दुपट्टा है, तो वो जब आए उसमें मुझे ना थोड़ा डाउट था, डेट्स वाई मैंने अमेजोन से परचेज किया, दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा वो मैं रखूंगी, फिर एक को मैं रिटर्न कर दूंगी, यही सोच के मैंने परचेज किया है। तो वो जब आएगा तो उसका ट्राई ऑन हॉल भी मैं शेयर करूंगी। तो चलिए कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो डिनर में आज हमारे यहाँ बना है ओल की टेस्टी मसालेदार सब्जी एंड चावल। और हमारे यहाँ नवरात्रा में हम लोग प्याज एंड लहसुन खाते हैं, सिर्फ नॉनवेज नहीं खाते हैं, बाकी सब चीज़ खाते हैं। तो यहाँ पे टेस्टी वाला लंच मेरा बन के एकदम रेडी सेडी। 5 minutes later, तो ये प्लान था मम्मी और मेरा कि लंच करने के बाद हम लोग फटाक से रेडी होकर के चले जाएंगे पार्लर, क्योंकि पार्लर में इस टाइम में बहुत ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहती है, तो इसलिए हम लोग दोपहर में जाएंगे। लेकिन फिर भी दोपहर में गए तो भी भीड़ थी क्योंकि सब हमारी तरह ही सोचते हैं ना इसीलिए। और ये मेरा लंबा बाल देख लीजिए, आज फाइनली लास्ट टाइम, फिर पता नहीं लंबा बाल ऐसा मेरा कब मिलेगा आपको देखने को, मतलब मिलेगा अगर मैं लंबा करना चाहूँ तो। ये देख सकते हैं मेरे लंबे बाल सिल्की वाले जो कि आज कटने एंड छटने वाले हैं, जो जिसकी मुझे बहुत दिनों से वेट थी क्योंकि मैं लुक से बोर हो गई थी। मैंने कई बार आप लोगों को लाइव सेशन में भी बताया था, अपने वीडियोस में भी बताया था कि मैं बोर हो गई थी, मुझे लुक जो है कुछ न्यू चाहिए था। और यहाँ पर मैंने जो है अपना कुर्ता एंड लेगिंग पहन लिया है, ये वाला कुर्ता लेगिंग मेरे हस्बैंड जी ने मुझे शादी के टाइम में दिया था, मतलब ख़रीदा था मैंने अपने पसंद से पर ये उनकी तरफ से था। तो यहाँ पे मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, पता नहीं मेरा बीबी क्रीम मुझे मिल ही नहीं रहा था, कहाँ खो गया, आई डोंट नो। तो लंबे लंबे बाल जो है वो देख लीजिए, फिर पता नहीं लंबे लंबे बाल आपको कब देखने को मिलेंगे। जहाँ भी मैं जाती थी खुला बाल देखते थे ना कि इतना लंबा बाल है, तो बोलते थे वाह इतना लंबा बाल कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो बस मुझे थोड़ा लुक चेंज चाहिए था। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ अपना हेयर कटिंग कराने के लिए, सबसे मैंने परमिशन ले लिया है और मिस्टर जी ने बोला था कि 2021 का लास्ट में तुम कटा सकते हो, तो फाइनली आज मैं अपना हेयर जो है वो कटाने वाली हूँ और देखती हूँ कि मुझे न्यू लुक चाहिए। लॉन्ग बाल क्या, मैं ऐसे कहीं जाती हूँ, घर में भी रहती हूँ तो मैं जूरा बना के रहती हूँ, तो मैं बोर हो गई हूँ। और लंबा बाल मेरा देखता ही कौन है, मैं जूरा बना के रहती हूँ, साल में एक दिन का खुशी से क्या फ़ायदा लंबा बाल है, इसीलिए मैं आज बाल थोड़ा शॉर्ट करने वाली हूँ ताकि मैं खोल भी सकूँ, एक पोनीटेल भी बना सकूँ। तो जो भी लुक होगा, मुझे पता है आप लोग में से बहुत कोई नहीं चाहता है कि मैं बाल कटाऊँ, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे न्यू लुक चाहिए। और थोड़ा बहुत चेंज तो एक ही ज़िंदगी तो मिली है यार, मैंने इतना साल लंबे बाल में गुजार दिया, कुछ बनता तो है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पार्लर में आ गई हूँ और मेरा बाल जो कटिंग करेंगी ना, ये पीछे जो आपको आंटी दिख रही है, ये बचपन से मतलब मेरा सबसे पहला बाल इन्हीं ने काटा था, और यही आंटी जो है शादी में यही आंटी मुझे रेडी की थी, मतलब आंटी ने मुझे मेहंदी लगाया था, फेसियल वगैरह वैक्सिंग वगैरह किया था, और मेकअप जो है वो इनकी बेटी ने किया था जो कि दिल्ली से सीख के आई है और बहुत अच्छा करती है। तो मुझे पार्लर का जब याद आता है ना कि मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे आंटी का ही याद आता है कि मुझे आंटी के पास ही जाना है, क्योंकि ये जानती है कि मुझे किस तरह की ज़रूरत है। यहाँ पे आंटी पूछ रही है कितना ही ना काटना है, कितना चाहिए लेंथ, कितना रखना ये बताओ तुम, इतना कमर तक ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आंटी ने सुना कि मुझे बाल कटाना था, आंटी तो वही मतलब आंटी को मतलब शौक लग गया, वो मतलब कैची पकड़ के काटने में उनको मतलब
अजीब फील हो रहा था कि हिम्मत चाहिए, उनको आंटी खुद बोल रही थी कि मुझे हिम्मत चाहिए काटने के लिए इतना लंबा बाल, मतलब वो काट ही नहीं पा रही थी। मैं बोली कि भाई काट दीजिए वरना मतलब मेरा दिल पिघल जाएगा तो फिर मैं नहीं कटा पाऊँगी, तो फिर आंटी ने हिम्मत करके मेरा बाल काटा। आंटी इतना कम लीजिएगा, आंटी दिल में पता रखे बोल काटिए वरना खराब हो जाएगा। कट गया ये रहा नेहा का। ओह माय गॉड, मतलब किसी किसी का इतना ही लंबा बाल होता है। आपका उतना कट के निकल गया। ठीक अब नहीं कटेगा, अब अच्छा लग रहा है, इसी में कट करूंगी। पूरा बनाना है। आंटी ने काफ़ी हिम्मत करके मेरा बाल जो है वो कट किया। जब एक बार उन्होंने कट कर दिया मेरे हेयर को तो उनको हिम्मत आ गई, तो और ये आगे में जो है मेरे छोटे छोटे बाल जो है उन्होंने कट किया जो कि मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। ये मुझे भी पता है कि मेरे हेयर जो आगे छोटे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता था, आंटी ने और छोटा कर दिया क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे ऊपर सूट करने वाला है, तो इसीलिए ये सब चीज़ जानती है मेरे हेयर के बारे में, स्किन के बारे में। ये आप पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पे आंटी फिनिशिंग दे रही है पीछे से मेरे हेयर को। ज़्यादा लेंथ कम हुआ है, मैं नहीं कह सकती कम हुआ है, मतलब कि ज़्यादा कटा है, ज़्यादा कम क्या होता है, मतलब अच्छा लग रहा है, खुला में रख लूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिनिशिंग यहाँ पे आंटी दे रही है, आगे से उन्होंने कट कर दिया है, अब बस पीछे से करना बाकी है जो कि आंटी कर रही है। और इससे भी आंटी पूछ रही थी कि इसे छोटा भी करना है, तो मैं बोली कि आंटी कैसा लगेगा, आंटी बोली नहीं इतना ही ठीक है, ज़्यादा छोटा मत करो। मैं बोली हाँ ठीक है, साड़ी वाड़ी में अच्छा लगेगा इतना बड़ा। और मैं बताना भूल गई, मैं जो हूँ वो लेयर कट कटवाई हूँ। मैं सोची भाई इतने सालों तक ये बालों ने मेरा साथ निभाया है, मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ, तो ये रहे मेरे बिखरे हुए बाल जो कभी मेरे सर में लहलहाते थे। यहाँ पे मम्मी भी जो है अपना हेयर कट करवा रही है, मम्मी का हेयर बहुत ही बाउंसी है। मम्मी ने जब हेयर कट करवाया ना फिर क्लचर लगाया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।